पनागर के जलगांव ग्राम में बीते दिनों स्वान के भौंकने को लेकर हुए विवाद के चलते गांव के रामवरण भूमिया नामक व्यक्ति की डंडे से हमला कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। घटना के बाद पुलिस ने संध्या यादव, उसके पुत्र सचिन यादव और राजकुमार यादव सहित 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली थी, लेकिन 2 आरोपी राहुल यादव और अरुण यादव घटना के बाद से ही मौके से फरार हो गए थे, जिनकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों राहुल यादव और अरुण यादव को भी गिरफ्तार कर लिया है। इनकी निशानदेही पर पनागर पुलिस ने घटना में उपयोग किए गए डंडे की बरामदगी की है। कुछ दिन पहले अभी जलगांव में रामवरण भूमिया की हत्या हुई थी, जिसमें हमने तत्काल 3 आरोपियों को पकड़ करके गिरफ्तार किया था और उन्हें जेल भेजा था। शेष 2 आरोपी अरुण यादव और राहुल यादव फरार थे, जिनकी लगातार तलाश की जा रही थी। आज मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अपने ग्राम छतरपुर के पास वो आ रहे हैं। हम लोगों ने पूरी टीम के साथ जा करके और उनकी घेराबंदी करके उन्हें गिरफ्तार किया है और जिस डंडे से उन्हें मारा था उसे जब्त किया है। उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, राहुल यादव पे पहले से भी कुछ अपराध थे? हाँ, राहुल यादव हमारे यहाँ का गुंडा बदमाश है और पूर्व से ही उसके खिलाफ कई अपराध हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी राहुल यादव आदतन अपराधी है, पूर्व से भी उसके विरुद्ध थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की है और मामले की विवेचना की जा रही है।